गाइस वेलकम टू दीपा मोबाइल। आज नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने घर आई हूँ, तो आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज क्या है, सबसे टेस्टी रगड़ा पेटीज। तो चलते हैं कैसे बनाते हैं रगड़ा पेटीज। तो रगड़ा पेटीज कैसे बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तेल ले लें तवा में और उसके बाद अदरक का पेस्ट लें। अदरक को छोटे छोटे पीसेस में करके अच्छे से इसको मिक्स कर लें और अच्छे से इसको फ्राई होने दें। तो ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हरी मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद हो उतनी हरी मिर्च डालें, तीखी तीखी हरी मिर्च। और ये रहा हमारा काबली चना। काबली चना ये तो मेन इंग्रेडिएंट है फॉर दी रगड़ा पेटीज। तो फिर अभी हम काबली चना डाल रहे हैं। तो ये काबली चना, इसको अच्छे से मतलब बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब आप ऐसा आप करेंगे तो फिर अच्छे से सॉफ्ट रहना चाहिए। उसके बाद नमक डालें। नमक डालने के बाद लाल मिर्च और फिर काली मिर्च डाल दें और फिर चाट, क्योंकि ये आलू चाट है तो चाट मसाला तो बहुत ज़रूरी है। और इसको आराम से उबलने दें और या फिर बॉईल होने दें। तो इसको एकदम अच्छा कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद लास्ट में हम अपना कोरिएंडर डालेंगे। रवा या सूजी को हल्का फ्राई कर लें, एकदम हल्का ब्राउन में फ्राई कर लें। और उसके बाद ये उबला हुआ आलू है, फिर उसको मैश कर लें। और मैश करने का तो ये छोटे छोटे कटे हुए प्याज डालें और उसके बाद हमारा हल्का फ्राई रवा डालें या फिर सूजी। और फिर इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक, और फिर लाल मिर्च, और ये हमारी रही काली मिर्च। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च डालती हूँ। तो ये लाल मिर्च देखिए कितना लाल लाल है लाल मिर्च। और ये हरी मिर्च डाले हैं। और इसके बाद चाट मसाला, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये हमारा कॉर्नफ्लावर है और ये मैदा, दोनों को इक्वल क्वान्टिटी में ले लें। और इसको हम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे ताकि हम अपने टिक्की की कोटिंग करेंगे। और ये देखिए गरम मसाला और लाल मिर्च, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पानी डालें ताकि लिक्विड आ जाए। एकदम पतला इसको रखना है ताकि हम टिक्की की कोटिंग कर सकें। ये देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंसी में बन गया। और ये रहा टिक्की, छोटे छोटे आप जिसको जो मन जो शेप में कर सकते हैं। और फिर इसको डालें, अच्छे से कोट कर लें। और ये रहा कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स से तो इसका बहुत क्रंची बनने वाला, जब आप खाओगे तो क्रंची क्रंची साउंड आएगा, मुरमुर साउंड कहते हैं, तो ये साउंड आएगा। तो ये अच्छे से कोट कर लें इसको। और ये देखिए कितने सारे हमने टिक्की बना लिए। और फिर तवा में तेल डालें और फिर आप डीप फ्राई कर लें अच्छे से, एकदम ब्राउन हो जाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम ब्राउन हो रहा है, अभी इसको टाइम है। और ये हमारा निकल आया टिक्की। तो हमारा रगड़ा पेटीज का ये सामान बन गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, ये कितना टेस्टी टेस्टी बना हुआ है। मेरे तो मुँह में बनाते बनाते ही पानी आ रहा था, कैसे कैसे मैं खा रही हूँ। सबसे लास्ट मैं ही खा रही हूँ, मेरे घर में तो मेरे पापा और मेरा भाई मिलके सबने खा लिया है। तो देखिए रगड़ा पेटीज जो बना है उसका ये, और ये हमने जो बनाया था काबली चना का, तो ये वाला हो गया। और दही, दही के बिना तो सब कुछ अधूरा है। दही के साथ और इमली की चटनी, क्या टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा का कॉम्बिनेशन वाह लाजवाब होता है। तो मेरी दीदी बना रही है वीडियो, तो उसके मुंह में पानी आ रहा है, इसको तो मैं देने नहीं वाली अभी, बनाने के बाद वो खाएगी। तो देखते हैं कैसा बनता है। और मैं तो आई हूँ बाहर से, तो मैं तो उधर अपने हॉस्टल में तो कुछ खा भी टेस्टी, तो अभी टेस्टी टेस्टी मैं हर रोज ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ 3-4 दिन के लिए। तो देखते हैं कैसा है फर्स्ट बाइट। ओह माय गॉड, देखो क्या हो गया। क्रंची बना है, सो क्रंची। मैं तो बहुत खाने वाली हूँ, चाहे कोई भी जमाना कितना भी रोके, मोटी हो पतली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने के सामने सब
फेल है। मैं तो कुछ ऑर्गेनाइज करके भी नहीं खा रही हूँ, यदि ये नहीं करती तो मैं इसके ऊपर ही टूट पड़ती। टेस्टी रगड़ा पेटीज है, बाहर से भी ज्यादा टेस्टी, चटकदार, खट्टा, तीखा, मीठा। आप अपने घर में पक्का ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको एक कैसा लगा रगड़ा पेटीज खाने के बाद। एक मिनट ने पूरा प्लेट चट कर दिया। बेटा टेस्टी रगड़ा पेटीज घर में ट्राई करें पक्का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।